एम्सकॉन 2023 एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर वार्षिक उत्सव आगामी 11 और 12 मार्च को मनाया जा रहा है। इस उत्सव में वार्षिक पुरस्कार समारंभ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश अटल और पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उपस्थित रहेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विविध विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शेरो शायरी, फैशन शो जैसे कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति पेश की जाएगी। एकेडमी ऑफ साइंस, आपको मालूम है कि 54 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हर बार सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही महत्व दिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट्स लोग ही इसके अंदर में मेंबर्स बन सकते हैं। और इस बार का जो एम्सकॉन 23 है, ये एक एनुअल प्रोग्राम होता है हमारे एकेडमी का, जिसमें हम लोग ऐसे चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं जो कि सभी के लिए महत्व की है और जिससे सभी को फायदा हो सके, हर डॉक्टर को उससे फायदा हो सके, इस पे हम चर्चा होने वाली है। इस साल हमने 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन रखा है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शन कंट्रोल। आज आपको मालूम है कि हॉस्पिटल में सबसे बड़ा तकलीफ जो होता है वो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इस इन्फेक्शन को कम करना चाहिए। आज की तारीख में दवाइयाँ जो बन रही है इन्फेक्शन के लिए, वो नहीं के बराबर बन रही है। नई दवाएँ आ नहीं रही है, नई दवा आने वाली भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमको जो दवाएं हमारे पास में है उनको बचाना जरूरी है, उसी को हमारे को वापरना जरूरी है, उसको प्रॉपरली वापरना जरूरी है। जहाँ जरूरत है वहाँ देना है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन द इन्फेक्शन सेक्शन के अंदर में। इसके अलावा पेन के बारे में बहुत बड़ी एक तकलीफ हर पेशेंट्स को हो सकती है, राइट फ्रॉम ENT से लेके तो ऑर्थोपेडिक से लेके तो कैंसर के पेशेंट से लेके हर पेशेंट्स को पेन का एक बड़ा मुद्दा रहता है जो तकलीफ देता है। तो पेन को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं, आपको मालूम होगा जैसे घुटने का दर्द होता है तो घुटने के दर्द में 2 चीज़ें होती है। एक तो दर्द की दवाएँ लो तो दर्द कम हो जाएगा, थोड़े दिन तक के लिए बंद करो दवाई फिर दर्द फिर आ जाएगा, या फिर दूसरा है कि ऑपरेशन करा। पेन इंटरवेंशन के अंदर में हम लोग इसके बीच में का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दर्द की दवाएं कम से कम लगे, ऑपरेशन को हम टाल सके। अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ही ऐसी संस्था है कि जैसे तुम बघितलं असेल इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आहे, ENT आहे, सगळे अलग अलग अकेडमीज आहेत। इथे प्रत्येक पॅथीचा जे कन्सल्टंट आहे, सुपर कन्सल्टंट या पॅथीत असल्यामुळे इथे आम्हाला सगळ्याच सिस्टीमचे जे काही आजार आहेत ते आपण याच्यात घेतलेलं आहे। आणि पोस्ट करोनामध्ये बरेचसे आहेत, म्हणजे रिकरंट व्हायरल इन्फेक्शन होणं, जे क्लॉटिंगचे आजार होणं, आणि सोबतच हे जे नवीन आजार आहेत हे पण त्यात घेतलेले आहेत। आणि सर्वात आता नवीन विषय असा आहे की बरेचसे टर्मिनल कॅन्सरचे पेशंट आहे आणि त्यामुळे पेन ही सर्वात मोठी समस्या आहे। पेशंटला आपण जास्त रिलीफ देताना पेनला महत्त्वाचं घेणार, तर पेनवर एक सेशन ठेवलेलं आहे। आणि अशा याच्यात आणखी डॉक्टर अटल सरांनी सांगितलंच त्याप्रमाणे आपल्याला इम्युनायझेशन सर्वात महत्त्वाचं आहे। पेडियाट्रिकमध्ये आता बरेचसे केसेस मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही आता आम्हाला चिकन पॉक्स टिटॅनसचं शिकवायला मिळत नाही, म्हणजे हे केसेस का कमी झाल्या, ह्या केसेस कमी झाल्या इम्युनायझेशनमुळे। तर जसं जसं वय मोठं होते तसं जसं प्रतिकार शक्ती जी आहे ती कमी होत राहते, इम्युनायझेशनमुळे आलेली प्रतिकार शक्ती ती पण कमी होत राहते। त्याच्यामुळे अडल्टमध्ये इम्युनायझेशन हे सर्वात महत्त्वाचं आहे। आजकाल लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढवायची असेल तर अडल्ट इम्युनायझेशन होणं आवश्यक आहे, म्हणजे प्रौढांसाठी लसीकरण हा विषय आहे, तो विषय एक सर्वात महत्त्वाचा आहे, ते विषय याच्यात घेतलेला आहे। त्याच्यामुळे पोस्ट करोना ज्या काही स्थिती उद्भवली त्याबद्दल सगळेच विषय या कॉन्फरन्स मध्ये घेतलेले। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक मानसिक रिपोर्ट।